हेलो एंड वेलकम टू आई वाइफ एजुकेशन। सो स्वागत है आपका। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं NIOS के, उनके लिए मैं आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये वीडियो है आज उनका, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंत तक देखना। और इसमें मैं बताऊँगा आपको जो लास्ट ईयर में जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो इस एग्ज़ाम इस वीडियो में आप करवाने वाला हूँ। और कुछ मतलब जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन से ही है जो रिपीट होते रहते हैं, या कह सकते हैं कि मतलब इंपॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखना। तो इसको तो मैं क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवाऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे पेपर करना है ताकि आपके जो नंबर हैं वो कटे ना। चार क्वेश्चन नंबर फोर तक जो है, फर्स्ट से लेकर फोर तक ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे जैसे हम भूमध्य सागर के निकट जाते हैं तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है। अब जैसे जैसे आप क्या होता है, भूमध्य रेखा पे आप जैसे जैसे करीब जाओगे वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, इस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं कि तापमान बढ़ता है या घटता है, या स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है। तो आपको क्या करना होगा भाई, तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। फिर आप इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार अपने नागरिकों को निम्न में से कौन सा पुरस्कार या उपाधि नहीं देती। जो भारत सरकार है, चार ऑप्शन है यहाँ पे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, अशोक चक्र और राय बहादुर। तो अब इसमें से कौन सा है जो है भारत सरकार किसी भी अपने नागरिक को पुरस्कार नहीं देती। तो इसमें जो देखोगे, भारत रत्न एक पुरस्कार है, पद्म विभूषण भी एक पुरस्कार है और अशोक चक्र भी एक उपाधि एक पुरस्कार है। जो राय बहादुर है वो क्या है, पुरस्कार नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ था। तो अब इसमें ऑप्शन ये दे रखा है 1953, 1954, 1955 और 1956। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, लेकिन जो पहला जो भारतीय राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था वो बना था 1953 में। ठीक है ना। चलो अब चौथा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लास्ट इसमें कि निम्न में से किस वर्ष में भारतीय संसद में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो ये हुआ था हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुआ था, ये हुआ था 2009 में। यहाँ पे चार ऑप्शन है, 2009, 2010, 2011 और 2012 का जो ऑप्शन है वो है 2009। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ। अब हम देखते हैं इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जिसमें आपको लिखना होता है। ठीक है, तो एक चैप्टर आपका जो क्वेश्चन आया है सल्तनत काल से, यानी जो दिल्ली की जो सल्तनत है, इक्तादार के इसमें कार्य पूछे हैं। ठीक है, इक्तादार जो होते थे दिल्ली के सल्तनतों में जो राजा नियुक्त करते थे, उनका कार्य क्या, काम क्या होता था। पहला इनका काम होता था सैनिक व्यवस्था करना, यानी कि जब कभी राजा को जरूरत पड़ती थी सैनिक व्यवस्थाओं की, मतलब युद्ध युद्ध में, तो वो क्या करते थे, इक्तादार गांव में से लोगों को पकड़ के सैनिकों में सैनिक सेनाओं में भर्ती करते थे और सैनिक व्यवस्था में वो कार्य करते थे। दूसरा है लगान लेना, लगान वसूलना, यानी कि क्या, गाँव में जो खेती करते थे लोग उनसे वो लगान वसूलते थे। ठीक है ना। तो ये इक्तादार के क्या है, कार्य हैं, ये भी मतलब दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड करके पूछ लेगा भाई, इक्तादार के कार्य क्या होते हैं, सैनिक व्यवस्था करना, लगान वसूलना और न्याय करना, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, छोटे मोटे जो विवाद होते हैं उनको सुलझाना, न्याय करना या विवादों को सुलझाना। ठीक है ना, तो ये आपका दो नंबर में पूछा गया था। इसके बाद फिर से इसमें क्या बोला भाई, अब ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से क्या है कि भारत के उत्तरी मैदानों के किन्हीं दो विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो उत्तरी भारत है। ठीक है ना, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, उत्तर भारत की, उत्तरी मैदानी भारत की। ठीक है, इसकी क्या विशेषता भाई, सबसे पहले तो कि समतल मैदान है यहाँ पे। ठीक है ना, समतल मैदान है, प्लेन एरिया है। सबसे जो मेन लाभकारी है वो है समतल, पूरा का पूरा क्या है एरिया, जो क्षेत्र है वो प्लेन है। और यहाँ पे ये उत्तरी मैदान क्या है, सबसे अधिक उपजाऊ है, यानी कि उत्तरी मैदान जो क्षेत्र है, उत्तरी मैदान एरिया सबसे अधिक उपजाऊ, यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है वो सबसे अधिक उपजाऊ है, यहाँ पे हर प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है ना, और उत्तरी मैदान में क्या देखोगे आप, नदियों का प्रवाह तंत्र भी काफी अच्छा है, यहाँ पे नदियों का
अपवाह तंत्र अधिक है? अपवाह तंत्र कहने का मतलब है यहाँ पे नदियाँ बहुत सारी बहती हैं, ठीक है ना, पहाड़ों से उतरकर, और यहाँ पे काफी सारी बड़ी नदियाँ, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी नदियाँ यहाँ पे आपको मतलब देखने को मिलेगी उत्तर भारत में, ठीक है ना। एक तो बड़ी अगर देखें, अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें या पंजाब में देखें, तो पंजाब में 5 नदियां हैं, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कई छोटी बड़ी नदियां हैं, बिहार में भी कई सारी नदियां हैं, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है, वो भी क्या है, काफी सारी नदियां। तो ये क्या दिखाती है भाई, उत्तरी मैदानी एक तो समतल समतल हैं, प्लेन एरियाज आते हैं, दूसरा सबसे अधिक उपजाऊ वाले हैं, और तीसरा नदियों का अपवाह तंत्र भी अधिक है, ठीक है। ये भी आपसे कितने में पूछा गया था, 2 में पूछा गया था, आगे भी ये पूछा जा सकता है कि भाई उत्तरी भारत जो उत्तरी मैदान है उसकी क्या विशेष बात है, खास बात है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से है, यानी संविधान से किससे पूछा है, देखो संविधान में ना आपको एक मौलिक अधिकार और एक राज्य नीति निदेशक, इन दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, राज्य के नीति निदेशक तब से, अगर मौलिक अधिकार से पूछेगा तो मौलिक अधिकार पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वहां से आप देख कर उसको पढ़ लेना, और कहीं से भी कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछता है मौलिक अधिकार पे तो आप आसानी से कर सकते हो। तो अभी मैं आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बता देता हूँ। तो राज्य नीति निदेशक तत्व के उद्देश्य, पहला जो उद्देश्य है वो है कल्याणकारी राज्यों का, कल्याणकारी राज्यों का निर्माण, ठीक है ना भाई, यानी कि राज्यों को एक अवसर देना, राज्यों को कार्य, राज्यों को कल्याणकारी राज्य बनाने में का पहला उद्देश्य है कि भाई हम राज्यों को कैसे बनाए, कल्याणकारी राज्य बनाए, जिसमें क्या करें, राज्य सभी कल्याणकारी नीतियां लोगों के लिए बनाए, अपने राज्य में रह रहे लोगों के लिए वो बनाए, ठीक है। इसका दूसरा जो है, राज्य को समाजवाद, गांधीवाद और व्यक्तिवाद, सर्जन करना, ठीक है भाई, यानी कि राज्य में समाजवाद को भी बढ़ावा दे, गांधीवाद की विचारधारा को भी बढ़ावा दे, और व्यक्तिवाद को भी बढ़ावा दे। तो ये इन इस राज्य के नीति निदेशक तत्वों के 2 मूल सिद्धांत वो उद्देश्य हैं कि हमें इसको अप्लाई राज्य में लागू करके कल्याणकारी राज्य बनाना है। कल्याणकारी राज्य मतलब राज्य का वो राज्य जो लोगों के लिए कल्याणकारी नीतियाँ बनाए। दूसरा कि भाई राज्य क्या हो, समाजवाद हो, समाज के बारे में सोचे, गांधीवादी विचारधारा से जो गांव के बारे में सोचे, गांव को मजबूत करे, व्यक्तिवादी जो व्यक्तियों प्रत्येक व्यक्तियों के लिए भी काम करे, ठीक है ना। तो 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, इस तरीके से आप लिख सकते हो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा है 2 नंबर का, वो पूछा है प्राकृतिक, ज्योग्राफी से है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो भाई प्राकृतिक और मानव निर्मित क्या होता है, कि प्रकृति द्वारा कौन कौन सी चीजें बनी हुई है, देखो कि पहाड़ हैं, नदियां हैं, ठीक है ना, समुद्र है जिसको महासागर बोलते हैं, पठार है, ठीक है। तो ये क्या है, प्राकृतिक द्वारा निर्मित है, जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अब मानव निर्मित क्या, जैसे मानव निर्मित में आ जाए, अगर हम देखें मानव निर्मित हो तो पहाड़ में सुरंग बनाना, ठीक है ना, नदियों में, नदियों पे क्या बनाते हैं भाई, पुल, ठीक है, नाव चलाना, समुद्र में भी देखोगे तो आप समुद्र में जो शो वो करते हैं, तेल शोधन कारखाने खोलना, है ना। तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, मानव निर्मित, मानव निर्मित जो मानव द्वारा किए गए कुछ प्रयोग, जैसे सुरंग बनाना, आप कोई पहाड़ है, पहाड़ों में सुरंग बना देना, आजकल सुरंगें कितनी चल रही है, आप देखो जमीन के अंदर हम क्या करते हैं, जमीन के अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही हैं, पहले सतह पे चलती थी, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, मानव इतना आधुनिक हो गया है कि पहाड़ों में सुरंग बना के बना देता है। अगर देखोगे तो अभी जो है विश्व की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल बनने जा रही है हमारे भारत में कोलकाता में, वो भी देखोगे पानी के नीचे जो गंगा नदी है उसके 100 फीट नीचे मेट्रो चलेगी, तो सोच सकते हो आप कितना आधुनिक हो चुके हैं। तो ये प्राकृतिक निर्मित है और मानव निर्मित, यही डिफरेंस है, ठीक है ना, जो नेचर जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता, कि कोई ऐसी वस्तु जिसमें जिसके बनने में मानव का कोई हाथ ना हो वो प्राकृतिक कहलाती है, और मानव निर्मित वो होती है जो प्राकृतिक वस्तुओं को ही वो क्या करता है, मानव उसको अन्य वस्तु में बदल देता है, जैसे पहाड़ पे तो सुरंग बना देना, नदियों पे पुल बना देना, ठीक है। था आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन, अब हम आते हैं 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन पे, ये मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ, जो मोस्टली पूछे आ सकते हैं वो हमारा हिस्ट्री से है, जिसमें मध्यकालीन हिस्ट्री से, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर शिक्षा के क्षेत्र में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनका योगदान पूछा है, चार नंबर में पूछा है, बहुत ही आसान सिंपल। ठीक है, तो एक तो ये थे कौन, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है ना, और संस्कृत के विद्वान के साथ साथ इन्हों ये जो थे संस्कृत शिक्षा में ये पश्चिमी विचारों पर जोर देते थे कि भाई हमें जो संस्कृत की शिक्षा है उसको पश्चिमी विचारों के हिसाब के ही तरह बढ़ाना चाहिए। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या करा था भाई, बाल विवाह और बहुविवाह, बाल विवाह व बहुविवाह का विरोध किया। इन्हीं के अथक प्रयासों से एक कानून बना और कानून बना के क्या कर दिया कि इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना, बाल विवाह और बहुविवाह को खत्म कर दिया गया विद्यासागर के योगदान से। ये महिला शिक्षा के पुरजोर समर्थक थे, महिला शिक्षा पर, महिला शिक्षा का समर्थन करते थे, ठीक है ना, मतलब महिलाओं को भी पढ़ाने के लिए काफी पुरजोर समर्थन करते थे, आंदोलन भी किए इन्होंने, कई सारे सामाजिक सुधार आंदोलन भी किए जिसमें महिलाओं को पढ़ाने के लिए काम किया गया। इसी के तहत चलते क्या करा, करीब 35 स्कूल लड़कियों के लिए खोले गए थे, ठीक है ना, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें गैर ब्राह्मण पढ़ सके, ठीक है भाई। अब देखो, पहले तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, फिर ये और इसके साथ साथ पश्चिमी विचारों का भी समर्थन करते थे, और क्या था, बाल विवाह और बहुविवाह प्रथा का क्या हुआ, विरोध किया इन्होंने और इसको समाप्त किया। महिला शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, महिलाओं को पढ़ने और आगे बढ़ने का ये की बात करते थे। इसी के परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या करा, 35 स्कूल लड़कियों के लिए खोले ताकि वो पढ़ सके गर्ल्स लड़कियों के स्कूल में, और इसके साथ साथ संस्कृत जो संस्कृत महाविद्यालय यानी संस्कृत कॉलेज खोले, और उसमें उन कॉलेजों में गैर ब्राह्मण जो ब्राह्मण कास्ट के नहीं थे उनको भी पढ़ने का इसमें मौका मिला। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भाई जो अंग्रेज थे किसानों ने उनका विद्रोह क्यों किया था, तो किसानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक 1857 की क्रांति पे क्वेश्चन आता है, तो उस पे अगर क्वेश्चन आए तो उस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी दे दिया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, तो उन्हीं का एक ये भी थोड़ा सा पार्ट है कि भाई किसान किस लिए ना खुश थे अंग्रेजों से, ठीक है ना, तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी 1857 के विद्रोह पे जो वीडियो बनी हुई है वो आप जरूर देखें। अंग्रेजी राज में अंग्रेजी राज के विरुद्ध किसान का विद्रोह क्यों था, नाखुश क्यों थे, तो सबसे पहला क्या था भाई, पहला मेन पॉइंट कि जो भारी कर व्यवस्था थी यानी जो लगान लिया जाता था किसानों से उसकी संख्या वो काफी भारी मात्रा में लिया जाता था, ठीक है ना, यानी कि उनकी उपज पे 90-70-80% उनसे कर लिया जाता था, जितनी उनकी उपज नहीं होती थी उससे ज्यादा तो वो क्या कर देते थे, टैक्स देते थे, ठीक है, राजस्व व्यवस्था बहुत मतलब बहुत हाई थी। उसके बाद क्या था, एक तो भारी कर व्यवस्था भी थी और दूसरा जबरन कर वसूलते थे। जबरन कर वसूली कहने का मतलब है जिस दिन या जिस समय, कभी कभार क्या होता था कि भाई फसल खराब भी हो जाती थी, ठीक है ना, फसल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, फसल क्या होती थी, पैदावार खराब हो जाती थी, और फसल अच्छी ना होने के बाद भी मतलब फसल खराब हो जाने के बाद भी उन्हें कर देना पड़ता था। अगर वो कर नहीं देते थे तो वो क्या करते थे, उनकी जमीनें उनसे छीन लेते थे, उनकी जमीनें वो किसी और को मतलब उनसे लेकर किसी और को दे देते थे, इसीलिए क्या उसको बोला गया भाई जबरन कर वसूली, जबरन जबरदस्ती उनसे वो कर लेते थे, अगर उनके पास कर नहीं है फिर भी उनसे उनकी जमीन उनसे छीन ली जाती थी, तो इसीलिए नाखुश होकर किसान ने उनका विरोध किया। दूसरा क्या था, नगदी फसल। अब नगदी फसल जैसे कहने का मतलब है कि ये उन फसलों जो ब्रिटिशर्स थे उन फसलों को ज़्यादा उगाते थे जिनसे जो ज़्यादा पैसा होता था, जैसे नगदी फसल में क्या आता है, कपास आ गया, ठीक है ना, नगदी फसल में आने वाली फसलें जैसे कपास, अफीम, ठीक है ना, चाय, कॉफी, रबड़, ये सब मतलब नगदी फसलें थी उस समय, तो वो क्या करते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा कहते थे कपास उगाओ और अफीम उगाओ, ठीक है ना,
इसको भी हटा देते बाद में। फिलहाल ज़्यादातर कपास और अफीम की खेती करवाते थे, तो इससे क्या होता था, इन नकदी फसलों से खेती करने से उनकी जो जमीन की उर्वरता थी वो खराब हो जाती थी, जिस वजह से वो फसल वो जमीन क्या होती थी आने वाले टाइम में खेती के लिए लायक नहीं बच पाती थी, तो इससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता था। तो इसीलिए इन सभी का विरोध करने, यानी कि उनकी भारी जो कर व्यवस्था थी उससे क्या हो गया, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई, ठीक है ना। तीसरा, आर्थिक स्थिति क्या हो गई उनकी, खराब हो गई। अब इन सब कारणों की वजह से उनके पास ना तो पैसा बचता था, भारी कर व्यवस्था होती थी, भाई इतना ज़्यादा कर लेते थे कि किसान दे नहीं पाते थे, जबरन वसूली जो नहीं किसान दे पाते थे उनसे जबरन जबरदस्ती लिया जाता था, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, मतलब उनसे कोई संपत्ति उनसे ले ली जाती थी। नकदी फसल में ज़्यादातर उनसे कपास और अफीम की खेती करवाई जाती थी, जिससे उनकी ज़मीन क्या होती थी, उनकी उर्वरता जो होती थी वो खत्म हो जाती थी, खराब हो जाती थी, और वो भविष्य में कभी खेती नहीं कर पाते थे। आर्थिक स्थिति खराब हुई, यानी कि वो क्या करते थे कि जो कर देने के लिए क्या करते थे, वो कर्ज ले लेते थे। अब जो साहूकार होते तालुकदार होते हैं उनसे ये क्या लेते थे, कर्ज लेते थे, ठीक है ना, भारी ब्याज दरों में, तो उनसे उनके उनसे भी दिक्कत होती थी, भाई राजस्व भी दें टैक्स भी दें, तो मतलब दोनों तरफ से किसान क्या रहे थे, पिस रहे थे। तो उन्होंने फिर एक मतलब निर्णय लिया कि भाई बस अब बहुत हुआ, हमें क्या करना है, इस अंग्रेजी राज का विरोध करना है, और विरोध के जो विरोध किया तो वह 1857 का विद्रोह निकल के सामने आया। तो ये कारण थे विद्रोह करने के, भाई जबरन कर वसूली, भारी कर व्यवस्था, नकदी फसलों का उपजाना, और आर्थिक स्थिति खराब होना, और उत्पादन के लिए, यानी हमारे भारत में क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तापमान, ठीक है भाई, तो गेहूं के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए आपका, जब बुआई करते हैं यानी जब हम बीज बोते हैं तब टेम्परेचर चाहिए 10 से 15, ठीक है, 10 से 15 के बीच में चाहिए। जब हम कटाई करते हैं यानी जब कटने वाली होती है फसल, पकने वाली होती है, तब चाहिए 21 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना भाई। यानी कि बुआई के समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए 10 से 15 और कटाई के समय टेम्परेचर 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, तभी गेहूं के लिए फसल, जो गेहूं की फसल है वो अच्छी मानी जाती है। फिर अगले बारिश भी चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए आपकी 75 सेंटीमीटर, यानी बारिश कितनी मिलनी चाहिए उसको भाई 75 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मृदा, मिट्टी चाहिए दोमट और चिकनी मिट्टी, ठीक है भाई, यानी कि गेहूं की फसल के लिए जो मिट्टी है, जो मृदा है, वो दोमट और चिकनी मिट्टी अगर होगी तो गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी और बेहतर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद है मशीन यांत्रिक, यानी जो ये फसल की जाती है वो क्या होती है, यांत्रिकृत, यानी कि पहले क्या थे, काफ़ी लोग लगते थे इसमें खेती करने में, लेकिन अब मशीनों का इस्तेमाल से खेती क्या हो गई, काफ़ी सरल हो गई है। सबसे पहला यूपी, फिर आता है आपका पंजाब, फिर हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। तो ये वो राज्य हैं जहाँ पे गेहूं की फसल के लिए ये भौगोलिक दशाएँ मौजूद होती हैं, जहाँ पे तापमान बुआई के समय कितना होना चाहिए, बुआई के समय आपको मिल जाएगा 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, कटाई के वक्त 21 से 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा आपकी वहाँ पे 75 सेंटीमीटर की वर्षा अगर वहाँ पड़ती है तो फसल के लिए बहुत ही अच्छी है। मिट्टी आपको कैसी मिट्टी में होता है, दोमट और चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। यांत्रिकृत मशीनें, अब क्या होता है, बड़े बड़े खेत होते हैं, विस्तृत बड़े बड़े भूभाग में खेती की जाती है गेहूँ की, तो उसके लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। और यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये क्या है, यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे गेहूँ जो फसलें हैं उगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी मैं क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तब तक ये वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल हमारा